अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वीडियो में हम मैट्रिक और इंटरमीडिएट के बोर्ड एग्जाम से मुतल्लिक एक अपडेट को डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको बताया कि दिसंबर के सेकंड वीक में एक अपडेट आई थी कि मैट्रिक और इंटर के इम्तिहान अब MCQs बेस्ड होंगे। इससे मुतल्लिक अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया कि IBCC के चेयरमैन की तरफ से कोई अपडेट आई है मैट्रिक और इंटर के इम्तिहान MCQs बेस्ड लिए जाएंगे। स्क्रीन पर जो आपको अपडेट दिख रही है, ये अपडेट मुख्तलिफ ऑथेंटिक वेबसाइट्स और मुख्तलिफ फेसबुक पेज ट्विटर पर शेयर किया गया है। IBCC का जो ऑफिशियल फेसबुक पेज है उन पर भी उन्होंने ये चीज़ को शेयर किया था, लेकिन अभी तक जो है इस चीज़ की कंफर्मेशन नहीं है। देखो, इंटर के इम्तिहान किस तरीके से कंडक्ट करने हैं उसके मुतालिक जो इजलास हुआ था उसमें ये कहा गया, पहले मरहले में मैट्रिक और इंटर के इम्तिहान होंगे जो कि मई में कंडक्ट किए जाएंगे। दूसरे मरहले में नवी और ग्यारहवीं जमात के इम्तिहान होंगे जून में कंडक्ट किए जाएंगे। जितने भी इम्तिहान होंगे उनके जो दौरानिया है वो 1.5 घंटे होगा। इसके अलावा कोई भी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन नहीं लिए जाएंगे। तो फिलहाल तो ये जो है आपके पास एक नोटिफिकेशन है जो मुख्तलिफ वेबसाइट्स ने मुख्तलिफ फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर शेयर किए गए हैं। तो IBCC ने भी ये बात कही थी अपने फेसबुक पेज पे और ट्विटर अकाउंट पे, लेकिन अभी तक इस चीज़ की कंफर्मेशन नहीं है। जब तक स्टीयरिंग कमेटी की तरफ से जो है आपके पास एक मुकम्मल फैसला नहीं आ जाता, ये वाज़ह तौर पर नहीं कहा जाएगा कि MCQs बेस्ड एग्जामिनेशन होंगे। तर यही कि आपका जो सिलेबस है उसी सिलेबस से आप तैयारी करें इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस। तो शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस के हिसाब से ही आप तैयारी करें, MCQs बेस्ड तैयारी मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आगे जाकर क्या ये पॉलिसी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस पे ही रही तो फिर आप जो है परेशान हो जाएंगे। क्योंकि MCQs बेस्ड क्वेश्चंस में आपके पास आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, आपको जो है वो ज़्यादा लिखने की वहाँ ज़रूरत नहीं होती। आपके पास अगर सब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस हैं तो वहाँ डेफिनेटली बात है कि आपको लिखना पड़ेगा। आप अपनी तैयारी जो है पिछले पैटर्न के हिसाब से ही कीजिएगा। इसके अलावा अगर IBCC की तरफ से अगर कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है MCQs बेस्ड एग्जाम्स ही कंडक्ट किए जा रहे हैं, मैं आपको इस चैनल पर अपडेट कर दूँ। ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।